चलो तुम लोगों का रिजल्ट आ गया है। और सब लोग रेडी हो ना, मैं अभी रिजल्ट दूंगा तुम लोग को। लेकिन उससे पहले मैं रिजल्ट दूं, एकता तुम सुनो, तुम बाहर नहीं जा सकती क्लास से, तुम्हें मेरे से बात करना होगा। और बाकी सब तुम लोग जा सकते हो, तुम लोग सही बच्चे हो। ये लो अंजलि, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एकता से तो मैं बाद में निपटूंगा, मैं पहले सभी लोगों को दे देता हूँ। तुमने भी बहुत बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया बच्चे। सभी लोग रिजल्ट लो जाओ, सिर्फ एकता यहीं रहेगी, बहुत मजा आएगा। अभी तो देखो मैं क्या करता हूँ, लेकिन हाँ ये लो रॉबिन उथप्पा, तुम भी लेके जाओ रिजल्ट, बहुत ही बढ़िया। मुझे क्यों नहीं दे रहे सर? मुझे यहाँ बैठने के लिए बोला, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कहीं फेल हो गई हूँ। सर क्या हुआ, आप मुझे यहाँ पे क्यों रोक के रखे हो? अरे तुमने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया एग्जाम में, तुम्हारा 829 रैंक है। ये तो बहुत गलत हो गया, मम्मी बहुत ज्यादा बुरा मानेगी और गुस्सा करेगी। ये लो देखो अपना टेस्ट पेपर, देखो। नो, मैं तो फेल हो गई। प्लीज सर, मम्मी को मत बताना प्लीज। अगर तुम्हें ए नहीं मिला ना अगले टेस्ट में, तो मैं तुम्हें पास नहीं करूंगा। ठीक है सर, प्लीज आप मम्मी को मत बताना, मैं बस घर जा रही हूँ। मैं फेल हो गई हूँ, मुझे जल्दी से इस घर के अंदर जाना पड़ेगा। कहाँ छुपाऊ, कहाँ छुपाऊ? ओ शिट, मम्मी आने वाली है 58 सेकंड में। इसको खोलते हैं, बाथरूम के अंदर, अभी तो बाथरूम के अंदर नहीं डालना है मुझे। कहाँ छुपाऊ, इस बेड के अंदर डाल दू? कंप्यूटर के अंदर डाल दू? नहीं, मम्मी आने वाली है। ये क्या हो रहा है गाइस, मैं वापस से फेल हो गई। कितनी स्टूपिड हूं मैं गाइस, ये क्या हो रहा है? इसको कहाँ छुपाऊ? किचन में जला दू क्या? जला दूंगी तो फिर यहाँ पे कुछ राक वाक रह जाएगा, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे एक फायर प्लेस है, तो इसके अंदर डाल देती हूँ, ये तो पूरा जल के नाश हो जाएगा। वैसे भी मम्मी को आने में भी टाइम है, जल्दी से चल जा। गाइस मुझे लग रहा है कि ये पूरा जल गया, अब मैं आराम से यहाँ पे बैठ जाती हूँ। मम्मी आने वाली होगी शायद। आ गई मम्मी। मैं आ गई घर पे, ये रहा सोफा में आराम करेगी। अरे एक सेकेंड, यहाँ पर मैं मूवी देखना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर मेरे को फायर प्लेस में कुछ दिख रहा है। ये क्या है? ये तो मैट्रेस पेपर है अपनी एक तड़ी का। ओह, इसको एफ मिला है। तूने अपना पेपर फेंका फायर प्लेस के अंदर, और ये देखो बंदरियाँ नाच रही है। ऋतिक रोशन की आत्मा आ गई है इसके अंदर। मैं से फेल हो गई हूँ। क्या चल रही है? ओ फीमेल ऋतिक रोशन, रुक तो जी, अभी बताता हूँ। ये क्या किया आपने? अरे फायर प्लेस के अंदर तो मम्मी ने देख लिया था, यहाँ पे अच्छे से जला भी नहीं, अब मैं कहाँ पे इसे डालूं? ओह फ्रिज के अंदर हम लोग डाल सकते हैं, बढ़िया से। मम्मी देख भी नहीं पाएगी यार, वैसे भी आके मम्मी तो रेस्ट ही करनी है, तो चलो फ्रिज के अंदर इसे डाल देते हैं। अब मेरा जो टेस्ट पेपर है, या तो वो गीला हो जाएगा, गीला होके फट जाएगा, कुछ नहीं होगा, मजा आएगा। तो गाइस चलो इसमें बैठ जाते हैं, अभी मम्मी आएगी तो मजा आएगा। ओ सिर्फ 2 सेकंड बाकी है और मम्मी आ गई है, और मैं दोबारा घर में आ गई। इस बार मैं आराम से सोफे पे बैठेगी। बहुत थक गई हूँ मैं यार, मेरे को भूख लगी है, मेरे को अपना डिनर खाना है फेवरेट। अरे ये डिनर तो आई थिंक मैंने फ्रिज में रखा था ना। ये चिकन का देखो टाइम हो गया, डिनर चिकन डिनर। अरे एक सेकंड, ये क्या रहा भाई? ये क्या, ये दिखा तो चीज लग रहा है मेरे को। मैं टेस्ट है तो एक तगा, ये फिर से फेल हो गई। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर? तो कभी इसकी बैंड बचाती है मैं। मम्मी गेट मत खोला, मम्मी मैं बाथरूम में हूँ, प्लीज गेट मत खोला। गेट खोल, नहीं अभी के अभी गेट खोल। नहीं मम्मी, बहुत बॉस आ रहा है। नहीं मम्मी गेट मत खोलना प्लीज, मैं बाथरूम में हूँ। तेरी बचाती हूँ मैं, क्योंकि तूने टेस्ट पेपर फ्रिज में रखा। अरे नहीं मम्मी, वो मेरा नहीं है। उड़ा देगी मैं तेरे को। गाइस दो बार मम्मी ने मेरे ये टेस्ट पेपर को पकड़ लिया, इस बार मुझे बहुत अच्छी जगह में इसे छुपाना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्या है, हाउस पावर? अरे इसके लिए तो पैसे लगेंगे यार, अभी पैसे नहीं है मेरे पास में। यहाँ बाथरूम में इसे फ्लश कर सकते हैं। ओके एक चीज तो मेरे माइंड में आ गई है, मैं इसे फ्लश कर सकती हूँ। और एक बार जाके देखते हैं यहाँ रूम में।
यहाँ बेड के नीचे कहीं कुछ नहीं रख सकते क्या? यहाँ वार्डरोब है, वार्डरोब के अंदर डाल देते। वैसे भी मम्मी मेरा वार्डरोब चेक करते ही नहीं है। इस बार तो मैं बच जाऊंगी, वैसे भी मम्मी आने वाली है। मैं तीसरी बार इस बार काम से आ गई हूँ और मैं तीसरी बार थक चुकी हूँ। मम्मी आ गई है, इस बार तो मम्मी नहीं पकड़ेगी, इस बार तो मैं आराम करेगी। हेलो मम्मी, आ जाओ घर में, वेलकम। हाँ मैं तो खुशी हूँ बेटा, मेरा आज दिन बहुत अच्छा गया है, काम का कुछ भी खराब नहीं हुआ। वाओ मम्मी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मुझे भी ऐसा लग रहा है आज आपका दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन मैंने सुना कि आज तुम्हारा मैथ टेस्ट का रिजल्ट आया है, कहाँ है वो, जरूरत ही खाना मुझे। मम्मी कौन सा मैथ का टेस्ट का बात कर रहे हो? मुझे तो याद नहीं आ रहा कुछ भी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था मम्मी, कोई मैथ का टेस्ट ही नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, अभी मैं बैठ रही हूँ सोफा पे, चिल मार रही हूँ। हाँ मम्मी चिल करो मजे से। फाइनली तीसरे दिन मुझे आराम मिला, अब किसका फोन आने लग गया यार। ओ ये तो टीचर का फोन है। हेलो, हाँ हाँ को बोलिए। अरे एकता का टीचर बोल रहा हूँ मैं आपको इसलिए फोन किया हूँ क्योंकि एक तो फेल हो गई है मैथ टेस्ट में फिर से। क्या एक तो फेल हो गई? या भाई फेल हो गई है वो। ओहो आप देख लीजिए क्या करना है। इवनिंग मुबारक हो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, अब तो मैं इसे तड़ी की रुख। बात करनी है तेरा, तू इधर। हाँ मम्मी, क्या हुआ, आपका दिन खराब हो गया क्या? तूने मेरा दिन खराब किया है। अभी तेरे को पता है क्या होने वाला है? नहीं मम्मी क्या? अरे भागो, बचा मेरे को मम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रुक तू, तेरी तो ये क्या हो रहा है? इस बार तो सर ने मम्मी को कॉल कर लिया। मैंने सर को बोला था ना कि मेरे टेस्ट के बारे में नहीं बताने के लिए, क्यों बताया सर ने? सर की तो ऐसी की तैसी, अब इसे कहाँ छुपाऊं? ओ हाँ मैंने देखा था, मैं यहाँ पे फ्लैश कर सकती हूँ। फ्लैश करने के बाद तो इसका नामो निशान ही नहीं रहेगा। चलो इसको फ्लैश कर देते हैं गाइस। ये क्या हो रहा है? अबे यहाँ पे पानी भरे जा रहे हैं। नो, मुझे जल्दी से इस गेट को बंद करना पड़ेगा। ओके, मैंने गेट बंद कर दिया है, पर अगर मम्मी ने ये गेट खोला तो पानी तो सारा बाहर निकल जाएगा और मम्मी को पता चल जाएगा कि मैंने फ्लश खराब कर दिया है। मम्मी को मुझे रोकना पड़ेगा अगर मम्मी बाथरूम में भी गई तो। मैं आ गई अपने काम से फिर से और मैं करेगी आराम। हाँ हाँ बच्चे कैसन बा? मेरे को बाथरूम जाना है, मुझे बहुत जोर की प्रेशर आ रही है। मम्मी नहीं, अरे प्रेशर आई है, भागो भागो। आवाज क्या चीज की आ रही है बाथरूम में से? मैं यहाँ पे पूरा फ्लड कैसे आ गया है? व्हाट द हेल मम्मी, मैंने आपको बोला था ना गाइस, ये तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है यार। मम्मी ने मुझे इतनी बार पकड़ लिया है, अब क्या कर सकती हूँ मैं इस टेस्ट पेपर का? ये तो ये मैथ का एग्जाम इतना खतरनाक क्यों होता है? इसको कहाँ डालूं, कहाँ रखूं, कोई जगह नहीं मिल रहा है मुझे। हाँ यहाँ पे तो ये श्रेडर मशीन है, एक काम करती हूँ इसके अंदर डाल देती हूँ जिससे ये एकदम टूट 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 जाए। हाँ जाओ जाओ जल्दी से जाओ इसके अंदर जाओ। मेरा टेस्ट पेपर इसके अंदर जा रहा है और इसका तो पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ओहो चलो भाई, अब इसको गेट को कर देते हैं बंद और मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ मैं। हाँ चलो 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 चलो, अभी एक्टिंग करेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो मम्मी नहीं पकड़ पाएगी। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे को इतने सारे पेपर्स लेके आने पड़े हैं, ये मेरे काम से मैं एकदम परेशान हूँ, मेरे जॉब से, इन सबको मेरे को पेपर को अभी है ना तोड़ना है श्रेडर में। चलो श्रेडर में इसको श्रेड कर दे, काट दे, पीस दे, लेट्स गो। मेरे रूम में ही तो है ना ये ना कंप्यूटर टेबल पे श्रेडर, लेट्स गो। अभी मुझे पेपर्स डालने हैं एक एक करके, और एक सेकेंड,
एक सेकेंड, पेपर में डाल तो रही हूँ लेकिन थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये चल नहीं रहा है ढंग से। ये इसको मेरे को तोड़ना ही पड़ेगा, मैं मशीन से परेशान हो गई, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, इसने मुझे मशीन ही तोड़ दिया। लेकिन एक सेकेंड रुको, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है मेरे को, फिर से नहीं, एकता का टेस्ट पेपर यहाँ पर, और इतना बड़ा एफ मिला है इस बार तो इसे। हाँ तुम 863 टाइम फेल हो चुकी हो, अब तो रुक जा तू, तेरी तो देख अब है बेटी। मैं सोने गई एक्टिंग करूंगी बब्बी। क्या सपने ले रही है, सिंड्रेला वाली? हाँ मम्मी मैं सो रही हूँ, मेरे को तो जगाओ मत मम्मी, मैं सो रही हूँ। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या बब्बी, मेरे को बहुत नींद आ रही है। हाँ रुको अभी, सिंड्रेला का जूता ना मैं तेरे मुंह पे मारेगी अभी, रुक तू। अभी देख अब तेरी क्या हालत होती है, मेरी तो आग बबूला हो गई है मेरी जिंदगी तेरी वजह से, घर पूरा फोड़ दिया। गाइस ये नहीं चलेगा, श्रेडर मशीन काम नहीं कर रही है, पानी काम नहीं कर रहा है, फ्रिज काम नहीं कर रहा है, ये क्या हो रहा है, चलो घर के अंदर अभी जल्दी से। ओहो ये क्या है, यहाँ पे हम लोग स्कूल को फोड़ सकते हैं। नस रहेगा स्कूल, ना रहेगी ये एग्जाम। एक काम करती हूँ मैं, ये स्कूल को ही फोड़ूंगी, लेट्स गो। यहाँ पे दे देते हैं रोबक्स और अभी मजा आएगा। और ये गया हमारे स्कूल पे न्यू बॉम। ओहो भाई क्या फूटा है ये, मजा आ गया, अब कभी भी जिंदगी में ये टेस्ट नहीं होगा। और ये क्या, पूरा का पूरा लावा शहर में बह जा रहा है। और ये क्या लिखा हुआ है कि आई कैन सी दैट यू रियली हेट स्कूल। अरे सच में बहुत ज्यादा हेट करती हूँ मैं, अरे मैंने तो स्कूल को भी उड़ा दिया है, सब कुछ कर लिया है, अभी क्या करूं मैं यार। इस टेस्ट पेपर का हर जगह ये मम्मी ढूंढ ही लेती है, ये कैसी मम्मी है यार, हर जगह वो ढूंढ लेती है। अब मुझे ये छुपाना नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है डायरेक्ट मम्मी को ही दिखाऊंगी, अब जो भी मम्मी करेगी वो कर लेगी यार। ओ हो, मम्मी आने वाली है, इधर रेडी हो जाओ लात गुस्से खाने अब के लिए। तो मैं एकदम ही थक चुकी हूँ, इससे ज्यादा मैं काम से नहीं आ सकती। मम्मी आ गई है, बस हो गया। मम्मी वेलकम। बेटी ये क्या है, मम्मी ये मेरा जो रिजल्ट, दिखाओ मेरे को पेपर, ये क्या मिला है तुमको? मम्मी ये मेरा पेपर, तुमको घर में ही रहना पड़ेगा, यू आर ग्राउंडेड। नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है।